नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, मोदी कैबिनेट में बिहार से 8 मंत्री बने हैं और कैबिनेट में जिनको जगह मिली है वो 4 है, जिसमें गिरिराज सिंह भी हैं, जीतन राम मांझी भी है, चिराग पासवान भी है और ललन सिंह भी है। तो गिरिराज सिंह आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे दिल्ली से और उनसे मीडिया ने सवाल किया। सवाल में ये था कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि यादवों को टारगेट कर रही है बिहार में डबल इंजन की सरकार, और चंद घंटों में ही महा जो जंगल राज जो होता है तो मंगल राज उन्होंने संबोधित किया है, और मंगल राज का ये अद्भुत आपराधिक नज़ारा उस पर जो है चोट करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मंत्री बनाने के रूप में झुंझुना थमा दिया गया है बिहार को, उस पर जो है गिरिराज सिंह एक बार फिर से गर्म होते हुए दिखाई दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने कहा था कि झुंझुना थमाया गया है बिहार को, तो जनता ने उन लोगों को झुंझुना थमा दिया है। तो ऐसा कहते हुए गिरिराज सिंह नजर आए और साथ ही साथ कहा है कि बिहार में, यानी बिहार को जो मंत्रालय दिया गया है उससे दोनों सरकार मिल करके और 8 जो मंत्री मिले हैं उससे बिहार का कायाकल्प करेंगे, विकास होगा। नरेंद्र मोदी जी ने भरोसा जताया है तो बीजेपी और जेडीयू मिल करके ये काम करेगी वहाँ पर बिहार में। और बिहार के साथ ही जो आपराधिक घटनाएं जिस पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया उस पर कहा है कि जनता ने तो उन्हें ही व्हीलचेयर पर बैठा करके झुंझुना थमा दिया है। तो क्या कुछ कहते हुए गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। जिन लोगों को जनता ने झुंझुना दिखा दिया, नरेंद्र मोदी ने बिहार में 8 मंत्रियों के सहारे बिहार के विकास को दोनों सरकार मिलकर के हम ऊंचाई पर ले जाएंगे, किसानों के, मजदूरों के, बुनकरों का ये लक्ष्य है। और जनता को बहुत बहुत बधाई। बार बार कानून व्यवस्था में सवाल उठा रहे हैं, यादवों को टारगेट किया जा रहा है सर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं यादवों को झुंझुनू से मारा जा रहा है, यादव कह रहे हैं कि क्रिमिनलों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। चेयर पर ये सरकार है, जनता ने जिन्हें व्हील चेयर पर बिठा करके झुंझुना थमा दिया वही आज बोल रहे। तो आपने सुना कि किस तरीके से गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर जमकर खरी खोटी सुनाई है और उसके साथ ही साथ जो है कह दिया है कि जनता ने उन्हें ही झुंझुना थमा दिया है। तो विपक्ष पर काफी ज्यादा गरम दिखाई दिए गिरिराज सिंह। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, यह सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।